शुक्रवार हा, आज शुक्रवार हा, केहू हमके छोड़ के चल जाई, केहू के सिर बाधा टल जाई, केहू हमके छोड़ के चल जाई, केहू के सिर बाधा टल जाई। अरे एक ओरी आयु पिता, एक ओरी आ बिहार, शुक्रवार हा, अरे शुक्रवार हा। सुर के लहरिया में ताल के बयरिया मचल बसुर संग्राम, शुक्रवार हा, अरे शुक्रवार हा। नमस्कार, अभिनंदन, सादर वंदन, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप लोगन के जैसे भी जवन संबोधन हो सकेला, हम मनोज तिवारी आज अपने वो कार्यक्रम से देतानी जोना के नाम बाटे सुर संग्राम द्वितीय महाच्युत। धनी बाटे हमनी के सुर संग्राम, और हमनी के बात के गर्व बाटे कि हमनी के वो सुर संग्राम में जज बाड़े आदरणीय मालनी अवस्थी जी। हमनी के वो कार्यक्रम में जज बाड़े आदरणीय रवि किशन जी। वो कार्यक्रम में जोना में जज बाड़ी हमनी के आदरणीय कल्पना जी। रवि भैया, महायोद्धा लोगन के आगे खातिर मनोज बाबू हम यह कहें अपने कुल योद्धा लोगन से, बिहार भी सुनला ए बाबू यूपी भी सुनला, कि परीक्षा रोज होखेला। हमनी लोगन के भी जीवन में एगो कलाकार के रूप में हर शुक्रवार जब सिनेमा लगेला हमनी लोगन के एगो परीक्षा होला। तो निडर होके एगो जोश, खुलूस, ईमानदारी, आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जो जरूरी बाटे वह आगे ले जाए बाबू। बोल बम और आगे चल। एकरा से पहले कि हम अपने महायोद्धा लोगन के बुलाई, सब कुछ न कुछ अनुमान लगा रहल बा, प्रेडिक्ट कर रहल बाटे कि का होई, की जाई, की रह जाई। और यह प्रेडिक्शन के हम सारी दुनिया के देखा के बहुत अच्छा लगी हमरा, एक बार देख ली स्क्रीन पर। ये कुछ भी कहा जा नहीं सकता क्योंकि सभी अच्छे सिंगर हैं। ये भी कहना मुश्किल है, अभी तक तीन जाते थे, अब चार गए हैं। हमारा विश्वास बाकी अगर ये चार लोग डेंजर में रहे तो खतरा कुछ प्रिया पर ज्यादा। कोशिश करूंगी कि अच्छा परफॉर्मेंस करके मैं फिर से भंवर जाल से बाहर आ जाऊं। हो सकता है कि वो चार लोग सेफ हो जाएं और हम चार लोग जाके भंवर जाल में फंस जाएं। भंवर जाल में जाने से क्या हुआ, हम फिर से लौटेंगे। लोहा के आग में डलने पर ही सीधा होला, सोना के जितने आग में गलावल जाए उतने चमक बढ़ेला। अगर पार्टिसिपेंट लोगन से ही बात आइल बा तो एकरा पर हमनी के विशेष तौर से ध्यान रखे के चाहे। भंवर जाल में ऐसे ऐसे लोग फंस सकेला जेकरा पर पूरा नजर लगल बटे कि शायद यही 25 लाख रुपया और बाइक जीती। अगर वो भंवर में जा सकेला तो एक ही आशा रह सकेला कि सोना जितने आग में जाला उतने चमक के निकलेला। यह लाइन पे हमनी के विश्वास करत नहीं जा, हमरे पास नंबर बा। हम बुला रहल बानी बिहार के आन सुर के हमेशा अपने से मिले के देली दावत, झारखंड के ममता रावत। सात बहिन में बधाई हो ममता, तू 118 नंबर पा के भी सेफ बाड़ू। आज तू गईबू और अपने सातों बहिन, अपने भाई, अपने माई, चाचा, पूरा परिवार के एक बार फिर से राहत देले बाड़ू। और राहत ओकरो के मिलल हुई जी ममता रावत के स्वर के दीवाना बन गई बट सुर संग्राम में। राहत हमरो के मिलल बा। गजब के रो
ममता रावत के स्वर में हमार दर्शक लोग खोज रहल बाटे 25 लाख रुपया और शानदार बाइक के उम्मीदवार। बाकी आज ममता के खातिर अगर कुछ कहे के हुई तो कल्पना जी बोल सकेली। एक मेरी तरफ से एक राय है, शब्दों को खाओ मत। मीन्स गजब के रोग जवानी में ले गए, ये नहीं, एकदम नहीं। गजब के रोग जवानी में दे गए अखिया, एक एक वर्ड जो क्लियर होना चाहिए उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दो। शब्दों की मेरे को भी आपसे हमेशा शिकायत रहती कि उच्चारण उसका स्पष्ट नहीं होता, और थोड़ा सा कुछ ज्यादा उसको ओवर करने के चक्कर में जो सहजता है भोजपुरी की वो कहीं ना कहीं जाती। बाकी सुर और गायकी बहुत बढ़िया। ममता तोरा के बहुत सम्मान से लोग देखा ताड़न, गान गायकी आज कल्पना जी गई मनोज बाबू का सिनेमा रहे प्यार के बंधन, ये बहुत मीठा गाना उठे। ये गानवा सुनते ना हमनी के लंदन पहुंच जाले जा, टेम्स नदी के किनारे। टेम्स नदी के किनारे, तो ये बहुत बढ़िया ये गायकी रहे। जय हो, बहुत बढ़िया गायलू। हमनी के सुर संग्राम और पड़ाव पे आगिल बाटे, जहां मचल बाटे घमासान। एक घमासान में ममता रावत तो बच गईली 15 नंबर के बावजूद, लेकिन का उत्तर प्रदेश के शान मंगला सलोनी बच पई है चक्रव्यूह में जाए से। मचल बाटे भोजपुरी संगीत के घमासान, और एह महासंग्राम में आमने सामने बाटे यूपी और बिहार। ना तो चली लाठी ना तो तलवार, चली तो सिर्फ सुर के धार। रउआ सब देखत रही जाई घमासान, सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध, जहां बहुत कुछ अद्वितीय हो रहल बटे। मंगला सलोनी का ममता रावत नियन बच जाई है 15 नंबर पाके भी। एकरा पर हम जाई थोड़ा देर बाद, ओकरा से पहले हम यूपी के शान मंगला सलोनी के नहीं, पहले बुलाई गाजीपुर के सुरीला धरोहर बाबू मनोहर। मनोहर बाबू 25 लाख रुपया और बाइक। और मनोहर बाबू न सिर्फ बच गए ले, बल्कि मनोहर बाबू आज के एपिसोड के सबसे ज्यादा मार्क्स पाए वाले महायोद्धा बन गए ले, हाईएस्ट स्कोर। मनोहर बाबू हो गए लेन हाईएस्ट स्कोर ऑफ द डे। कुछ कल चाहता था? जरूर भैया, हम यह कहब बिहार वाले भाई, एदा बारी बिहार नहीं यूपी जीती। दिमाग से भ्रम हटा था कि 5 लोग बाड़ा, 3 लोग भारी, 3 लोग, 3 लोग भारी। वाह, थोरी रे उमिरिया में आपिरतिया लगाई के, आ थोरी रे उमिरिया में पिरतिया लगाई के, करनी झोरी पिया गवना कराई के, करनी झोरी पिया गवना कराई के। गवना का
करे निगा झोरी पिया गौना कराए की। निगा झोरी एगो भोजपुरी के शब्द है जौना के मतलब होला कि हर तरह से चेक करता तोहरे पास का बाटे, पाकिट में का बा, हृदय में का बा, दिल में का बा, यश का बा, कीर्ति का बा, कमा की कायल बड़ा, गवा की कायल बड़ा। आप खातिन कुछ कल्पना जी कहब। आज खासकर बहुत बहुत बढ़िया लगा और मीन्स वो लगा कि दिल तक पहुंचा। ब्रह्म मुहूर्त में उठा रियाज करवा, अर्ली मॉर्निंग कत्तो समंदर पे चल जाए जा और खुल के एकदम रियाज करा, खुल के जहाँ छते पे चल जा। ओकर बाद देखा कबो कोनो कंप्लेन नहीं, कहे कि तू बहुत बड़का भविष्य बड़ा उत्तर प्रदेश का। जय हो, हर हर महादेव। मालिनी जी देखिए, मनोहर बहुत दिनों बाद आज सुर में वो बात नजर आई है, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीद है। और सच बात तो यह कि क्षेत्रवाद और शहरों में पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन जब गाजीपुर का नाम आता है तो सुर संग्राम सुनने वालों के जहन में अभी भी कहीं ना कहीं मोहन राठौर बिल्कुल रचा बसा है। आपके सामने लक्ष्य वही होना चाहिए कि अब कोई भी चूक नहीं, बाकी बहुत बढ़िया मचल बाटे भोजपुरी संगीत के महासंग्राम। सुर और लय ताल के हो रहा बा घमासान, और आज मनोहर बाबू बन गिल बने हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द डे। चल के पुरस्कार ले। उत्तर प्रदेश भोजपुरी संगीत में ऊपर या फिर बिहार ऊपर, ए महायुद्ध में हम बुला रहल बानी अब मनोहर बाबू के बाद हमरे बिहार के आन, जिनके स्वर में कई बार झलकल बाटे बिहार के शान, जितेंद्र कुमार बाबू। जितेंद्र बाबू जी, आप खातिन काम कर रहल बाटी। जितेंद्र कुमार जी के बाद हम बुला रहल बानी अपने ओह महायोद्धा के, जोना के स्वर न जाने कितनी बार कितनी लोगन के आंख में आंसू लियो लेबा। यूपी के शान रघुबीर बाबू के बुलावत तनी जोरदार ताली से स्वागत करें। आज आप ब्लैक एंड व्हाइट में बनी, आपके जैकेट ब्लैक बा जी, और आपके शर्ट व्हाइट बा जी, आपके बाल भी बहुत अच्छा काला बाटे, एकदम रोमांटिक लड़कियन के लुभा लेबे वाला। आपके पैंट भी काला बा, आपके जूता भी काला बा, और रवि जी के टाई लाल बा, रवि जी के जैकेट भी काला बाटे, और आप खातिन हमरे हाथ में हम तो सोच ले रही चांद हमरा मिली, हम तो सोच ले रही चांद हमरा मिली, बाकी हमरा तो टूटल सितारा मिलल, पार जाए के लल सामने में रहल नाई अच्छ के डूबल चले रही चांद हमरा मिली, बाकी हमरा टूटल सितारा मिलल, पार जाए के लल सामने में रहल नाई अच्छ के डूबल ना किनारा मिलल, हम तो सच ले प्यार के दीप दिल में
गंगा बहा के कोई चांद के चांदनी तुम कहाँ हो गई अब अमौसा के आंसू के धारा मिलल हम तो सोच ले रहे चांद हमरा मिली बाकी हमरा के डूबल ना किनारा मिलल हम तो सोच ले रही चांद हमरा मिली कहे सोच ले तू कि सितारा टूटा तू जो मिलला त हमनी के सहारा मिलल अरे भैया कोई कहला कि हमरे पास कावा तो हम बनी कि हम रघुवीर बाड़े रवि भाई तोरे खातिर कुछ कहत बाड़े बहुत बढ़िया रघु बाबा गईला सतीश अजय जी के धन्यवाद देम और हमरा के मनोज बाबू जितना हमरा बुझाता कि अगर रघु भाई थोड़ा सा मुंह के और खोले लगी हैं तो हमरा के लगा था कि और भी फेफड़ा के अंदर का बहुत सारा सुर जो छिपल बा इनकरा वो बहुत कुछ निकले के तैयारी में बाटे जय हो जय हो जय हो जय कल्पना जी बार जाए के लल सामने में रहल नाई अचके डुबल जो लो से आना फिर हाई पिच में जाना वो जो मैनेज करना बहुत बड़ी बात है और रघुवीर बहुत अच्छा निभाया आपने बहुत अच्छा छोटा सा मेरा बहुत अच्छा बहुत अच्छा गीत मैंने गाया बहुत बढ़िया संतोष जी आप बहुत मींस अच्छा से सपोर्ट किया आपने उनको बहुत बढ़िया मालिनी जी मैं चाहती हूँ आपको भी और आप सबको एक बात सुनाना चाहती हूँ एक संगीत के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं और विंध्य नगर से सत्यनारायण पांडे जी हैं बहुत बड़े संगीत के भक्त हैं सुन रहे होंगे तो मैं उनको बताना चाहूंगी वो एक एक कार्यक्रम पिछले सीजन से ही देखते हैं हमेशा अपनी प्रतिक्रिया भेजते हैं रघुवीर बाबू का सुन करके उन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा था मैं चाहती हूँ उसको पढ़ूं रघुवीर के सुनत है या रोवत है ऐसन केहू कैसे गावेला समझ के परे हो बाहर भोला नाथ वाह रघुवीर बाबू के स्वर में उत्तर प्रदेश के मिलल बाटे आराम इनके स्वर में मिलल बाटे उत्तर प्रदेश के सम्मान घमासान और बढ़ रहल बाटे सुर लय ताल के ई महासंग्राम और भी निखर रहल बाटे और अब हम बुला रहल बानी बिहार के आन प्रिया राज आज अगर ई चक्रव्यूह में फंसी हां स्किल बाड़ो जी भैया में जाहिद भैया में और खुशबू कुमारी भैया में सबकर ताली से स्वागत करेंगे आज एक घमासान में ये तीनों लोगन में से कोई एक लाल कुर्सी पर फंस गईल बा मंगला सलोनी